हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। बंसी विष्णु एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम लोग है मेहसाणा से थोड़ा आगे ऊंजा के पास, और हम जा रहे हैं माउंट आबू, अंबाजी, ये सब आज एक दिन के घूमने के लिए। तो अभी यहाँ पे फिलहाल होल्ड हुए थे, सुबह जल्दी निकले, लेकिन सुबह से हमने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मेरे पास कैमरा एक्चुअली वो थोड़ा सर्विस में गया हुआ, इसलिए इसी कैमरे से काम चला रहे और ये नाइट में काम करता नहीं है। सुबह अभी अभी हुई है, पहला ब्रेक लिया है और इधर देख सकते हैं सूरज निकला है। ये हाईवे यहाँ से ऊंजा 5 किलोमीटर है और इधर है पालनपुर। सो चलते हैं, अभी सफ़र आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ को टोटल 4 लोग हैं हम लोग, और जैकेट पहली बार पहना इस सर्दी के मौसम में। वन टू, चलते आगे। तो भाई राजस्थान की शुरुआत हो चुकी है, आप देख सकते हैं इधर हाईवे के पास में बड़े बड़े पहाड़ हैं और खूबसूरत नजारा है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाईवे भी बहुत बढ़िया है। फिलहाल दोस्तों राजस्थान बॉर्डर यानी कि गुजरात बॉर्डर क्रॉस करके राजस्थान में घुस गए हैं। जस्ट बॉर्डर के पास में ही होटल है अतिथि, अतिथि में हम पीते हैं चाय वाय और बहुत थक गए यार। क्यों हो रहे हो सफर? हाईवे के ठीक बगल में ही है और सामने है ये उम्मेद इंटरनेशनल स्कूल, इसके ठीक सामने होटल है। चलते हैं इसमें चाय पीते हैं यार। जा रहे हैं अभी हमारे सर तो अभी हाई फाई होंगे। ठीक है ना, ये सब लोग मेरी मजाक उड़ा रहे, पर कोई बात नहीं, ऊपर वाला देखेगा। अरे यार ये सीख रहे वीडियो बनाना, इसलिए आसपास का नजारा कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए, ये देखिए, ये होटल है। तो क्या मंगाए सर? पोवा और चाय। फेमस तो भी क्या यार, पोवा में क्या फेमस होगा? ऐसा क्वालिटी तो फेमस पुआ मंगाया राजस्थान में घुसते ही हमने चाय के साथ, और पानी की बोतल बढ़िया यार। अरे ये पसंद आई यार। राजस्थान में आते ही दिखते हैं पहाड़ और ऊंचे ऊंचे, और ऊपर दिखते हैं आपको मंदिर। खूबसूरत देखो, मगर प्यार से देखो। हाँ हाँ, वीरवाड़ा। तो फिलहाल पहुंच गए हैं सिरोही, और काफ़ी खूबसूरत शहर है, पत्थरों के नीचे, पहाड़ों के नीचे बसा हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहली बार आया हूँ इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा नया ही लग रहा है। कुछ जोरदार रोड है और घुमावदार। ओहो, वो रस्तो यार, गाड़ी यहाँ से जा रही है उधर होकर के, सामने वो गुफा है। अच्छा वहाँ पे टनल है ना,
ओके तो अभी हम जाएंगे इस टनल के अंदर से, तो आपको दिखाएंगे कि सिरोही की टनल कैसी है और अंदर से कैसा दिखता है। ये सब पहाड़ी इलाका बहुत ज़बरदस्त है यार, मैं पहली बार आया इस रूट पे, आपको दिखाता हूँ और आगे। टनल टनल एक्चुअली वहाँ पे है, लेकिन ये सब रास्ता घूम के जाएगा। सामने वाली पहाड़ी गजब यार, घाटी है घाटी। कान में कुछ हुआ, प्रेशर जैसा हुआ? हाँ यार हुआ। उम्मीद करता हूँ कि सब रिकॉर्डिंग हो रहा होगा और आवाज भी ठीक से आ रही होगी। अभी हम टनल के अंदर घुसने वाले हैं, है ना? ये देखिए आ गई है अभी टनल। ओ माय गॉड, गजब यार। यहाँ पे कुछ काम चालू है लगता है। लगता है जैसे जम्मू कश्मीर में किसी टनल में कहाँ आ गए। वहाँ सामने वाली टनल के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे कुछ काम चल रहा है। और ये देखिए हम दूसरे टनल के अंदर, बहुत बड़ी टनल है भाई। ऊपर से अगर एक पत्थर गिरे तो लाइफ इंश्योरेंस खत्म हो सकता है। ज़्यादा लंबी नहीं है, मतलब होगी कम से कम 100 मीटर, ज़्यादा नहीं होगी 100 मीटर होगी। ना, 100 मीटर तो होगी। और इसके पास में देखिए आप बड़े बड़े पहाड़ और बड़ी बड़ी चट्टाने हैं जो कुछ इस तरह से दिखती है। और इधर बाजू में सिरोही शहर, अमेजिंग। ठीक है भाई, ये सा एक टनल का वीडियो। अभी तक वीडियो देखा है तो लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया वहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं, अभी बहुत कुछ दिखाएंगे आपको। हमारे साथ देखिए दो बड़े मेहमान भी आज। यस, चलते आगे।